वेलकम इन्वेस्टर्स, वेलकम ट्रेडर्स। ऑन विच स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 24 अप्रैल 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में आने वाले दिनों में किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आईसीआईसीआई बैंक का डेली चार्ट है और इसके पहले जो मैंने टेक्निकली एनालाइज किया था उसमें आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पर एक डेली डिमांड जोन है, जो कि प्राइस इस डेली डिमांड जोन में आने के बाद हमें यहाँ से एक पैटर्न रिवर्सल हो सकता है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप आईसीआईसीआई बैंक के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, प्राइस एग्जैक्ट इस डिमांड जोन में आया। डिमांड जोन में आने के बाद यहाँ पे ऑन रिट्रेसमेंट पे प्राइस फिर से यहाँ पर आया और यहाँ पर हमने देखा ऑन रिट्रेसमेंट के एक अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को मिला। स्टॉप लॉस जो था 530-529 रुपीज का, ये हिट नहीं हुआ। और यहीं से हम अगर हमें लास्ट 4 डेज का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो प्राइस एक अपसाइड मूव कर रहा है और इसमें जो गैप डाउन ओपनिंग थी उस गैप को भी स्टॉक ने यहाँ पर फिल कर लिया है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। अगर मैं मेरे पास अभी जो फिलहाल 2 हाईज है इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये एक डाउन ट्रेंड था आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में ऑन अ डेली बेसिस पे। और ये जो कल के पहले का जो ट्रेडिंग सेशन था, ये जो बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ, इसने ना कि इस डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया बट उसके ऊपर भी हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस अगर कम से कम 2 ट्रेडिंग सेशन इस सपोर्ट पे अगर प्राइस होल्ड करता है, यहाँ पर जो सपोर्ट है 567 के अबव, अगर ऑन अ डेली बेसिस पे किसी भी प्रकार का क्लोजिंग 567 के नीचे अगर नहीं होता है और आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशन तक अगर प्राइस यही पर 567 के अबव क्लोजिंग देता है ऑन अ डेली बेसिस पे, तो हमें यहां से एक अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। फर्स्ट टारगेट रहेगा 593 का एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 636 का। अब चलते हैं हम इससे हायर टाइम फ्रेम पे, मीन्स वीकली चार्ट पे। और वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे डिमांड सप्लाई बेस से, तो यहाँ पर वीकली चार्ट पे ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक में एक फ्रेश सप्लाई क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लगभग बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न फॉर्म हो चुका है और यही एक सप्लाई बनकर सामने आया। तो यहाँ अगर हम ईस्ट वीक का जो कैंडल क्लोज हुआ है, तो इन 2 वीक के कैंडल को हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बुलिश इंगल्फिंग का जो पैटर्न है वो यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। तो आने वाले दिनों में प्राइस 569 से एक अपसाइड मूव करता हुआ दिखेगा 619 के टारगेट के लिए। आप इस स्टॉक को ऐसे स्विंग ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो, और आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी इसे ट्रेड कर सकते हैं एक लॉन्ग ट्रेड के लिए। इस वीकली अगर आपने मेरे पुराने एनालिसिस नहीं देखा है तो आप देखिए, मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो एक डेली डिमांड जोन है वो डेली डिमांड जोन निस्टेड है अपने वीकली डिमांड जोन के अंदर। और लगभग लास्ट 2 वीक का जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें हमें यही एक्सपीरियंस हुआ कि प्राइस यहाँ आने के बाद ऑन ए वीकली बेसिस पे किसी भी प्रकार का इस डिमांड जोन में हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिला है और लगभग यहाँ पे पैटर्न चेंज हो चुका है। ऑन ए वीकली चार्ट पे भी यहाँ से हमें अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि यहाँ पर एक सपोर्ट है जहाँ पर ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस था 2020 जनवरी 2020 में और यहाँ से ही हमें एक फॉल देखने को मिला था। और ये एक सपोर्ट है और उस सपोर्ट ना कि यहाँ पे 554 का एक सपोर्ट है बट सपोर्ट के साथ में यहाँ पे डेली एंड वीकली डिमांड जोन भी है, तो यहाँ से प्राइस हमें अपसाइड मूव करता हुआ 101% दिखेगा। तो ये था आईसीआईसीआई बैंक का डिमांड सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस मंथली चार्ट को देखेंगे, जो आईसीआईसीआई बैंक का ये अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये मंथली चार्ट है, इस मंथली चार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 2 मंथली कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, लास्ट मंथ का जो कैंडल था
उसका भी साइज बहुत, जो बॉडी का साइज है वो बहुत छोटा था, और वोलेटिलिटी हमें अपर एंड लोअर शेडो दोनों साइड देखने को मिल रहा है। इस मंथ का जो कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो इसे अगर हम देखेंगे, अभी हमारे पास 1 वीक का ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है, और इस कैंडल को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 75% हम जिसे कह सकते हैं, एक हैमर का यहाँ पर फॉर्मेशन होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और इसी, अगर आप यहाँ पे डिमांड सप्लाई बेस अगर बात करेंगे, तो इस ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, जो अनडिसीजन का कैंडल है, ये एक मंथली डिमांड जोन है, और इस मंथली डिमांड जोन के अंदर ही वीकली एंड डेली सेटअप था, और ये बहुत अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग सेटअप है। तो यहाँ से हमें आईसीआईसीआई बैंक में फिर से एक अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करेंगे, तो जब प्राइस नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम्स में भी हमें गिरावट होती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में अभी भी लॉन्ग ट्रेड के पोटेंशियल है, और जिस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, उसी के चलते यहाँ से हमें लॉन्ग ट्रेड ही लेना चाहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।